तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गज भी अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, नुपुर शर्मा, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, आशीष खेतान, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शीला दीक्षित ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाले। दिल्ली के दिग्गज भी वोटिंग कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जहां उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग भी मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी भी, उन्होंने भी मताधिकार का प्रयोग किया। किरण बेदी ने भी, सतीश उपाध्याय और राम माधव ने भी। तो चार तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी दिग्गज आपको जरूर नजर आ रहे होंगे। जहां एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, तो दूसरी तस्वीर में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार, सीएम पद के उम्मीदवार अजय माकन भी वोट डालकर बाहर निकले और अपने निशान को दिखाते हुए नजर आए और दूसरी ओर शर्मिष्ठा मुखर्जी भी नजर आई। तो सारे दिग्गज, तमाम दिग्गज कांग्रेस के आप देख सकते हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए। चलिए अब आपको आम आदमी पार्टी की भी तस्वीरें दिखाते हैं, आप देख ले देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां सोमनाथ भारती आपको नजर आ रहे हैं, आशीष खेतान, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और अलका लांबा, इन सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो दिल्ली के रण में सभी दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली में चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है और लोगों में वोटिंग को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। राजधानी दिल्ली में चुनाव का सवेरा हो चुका है और दिल्ली के 1,37,00,000 मतदाता 673 उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला लगातार कर रहे हैं। ईवीएम मशीन में बटन दबाए जा रहे हैं और दिल्ली वासी बड़ी संख्या में निकल के आ रहे हैं। हमने भी अपना वोट डाला है और आपसे भी यही अपील करेंगे, अपना वोट जरूर डालें। हालांकि सर्वे बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और भाजपा में कांटे की टक्कर है, लेकिन पिछले 16 सालों में से 15 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस भी अपने आप को इस सियासी मैदान से बाहर नहीं मान रही। बहरहाल कोशिश ये की गई है दिल्ली में सुरक्षित मतदान हो और 193 अति संवेदनशील जहां सीट है, जहां इलाके हैं, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई है। 55,000 दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं और तकरीबन 90,000 सरकारी कर्मचारी मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से मतदान हो जाए। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको भी अपना मतदान शाम 6 बजे से पहले मताधिकार का प्रयोग जरूर करना है। दिल्ली से कैमरामैन संजीव गुप्ता के साथ राहुल डवास, दिल्ली समाचार प्लस।